कृष्णा, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल में और मैं हुमावनी रावत। तो गाइस आज इतनी तेज बारिश हो रही है ना भाई, मतलब ऐसा लग रहा था बिल्कुल सोने वाली, छुट्टी लेने वाली स्कूल की। बट क्योंकि आज भाई ईसी वाला कॉन्फ्रेंस है तो जाना पड़ेगा। और मैं बिस्तर में थी, मेरी मम्मी फोन ला रही, सोमा को दे रही कि तेरे तुम्हारे ग्रुप का कोई मैसेज आ रहा, पर वो मेरे हमारे उसमें था, हमारे उसका ग्रुप का में था। तो दीदी कह रही है कि जल्दी आना 7 बजे। 7 बजे कह रही, मैं उठी, अब उठी यहाँ पे 6:42 पे हूँ। दीदी कह रही 7 बजे आना। और गाइज मुझे एक बात बताऊँ आपको, मेरे साथ ना हमेशा ऐसा होता है, जब भी ना कोई जैसे छुट्टियों के बाद स्कूल खुलता है ना या फिर स्कूल जाना होता है, तो मेरे को हमेशा सपना आता है कि मैं लेट हो जाऊँ, लेट हो जाती हूँ। तो आज भी मुझे यही सपना आया कि मैं स्कूल जाने के लिए लेट हो गई। भाई कपड़े, कितने सारे कपड़े ही नहीं मिले, कपड़े ही नहीं मिले, इतने अलग अलग कपड़े पहन रहे, और इतनी लेट हो गई कि हमारी जो मैम है वो ही मुझे घर लेने आ गई। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी, कि तुम कहाँ हो, इतनी लेट हो गई। तो बस अब तैयार होना चाहते हैं जल्दी से। दीदी कह रही है आ जाओ 7:10 तक। मुझे तो लगता नहीं मैं 7:10 तक आ पाऊंगी, 6:47 तो अभी हो गए। तो देखते हैं, है ना। आप लोग मुझे ऑल द बेस्ट ज़रूर बोलिएगा क्योंकि वहाँ जा रहे हैं इतनी दूर, तो पर ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। 10 पे आने के लिए बोला था और 7:13 तो यहीं हो गए, तो बस जाते हैं। वो लोग भी आ गए हो, कहीं मैं ही जा रही हूँ, और जो भी आगे का बनेगा वो ज़रूर दिखाऊंगी इसमें। तो फिर बाय बाय, ऑल द बेस्ट ज़रूर बोलिएगा मुझे। तो गाइस जैसे मैंने आपको कहा था ना कि मैं मिलाऊंगी, तो ये हेलो भाई, जिसका फोन है और मैं हूँ, दूसरा ये है, तीसरे वो है, चौथे आयुष भी है, और ये दिखाने अरे सरला, ये दिव्यांशी, दिव्यांशी हाय, तो ये मत करो यार। ये हमारी मैम जिन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत करी है हमसे भी ज्यादा। गाइस हम दून स्कूल पहुंच गए हैं। तो गाइस ये रहा दून स्कूल का बड़ा सा गेट, जिसमें आपको जोत दिख रही होगी जली हुई। और ये यहाँ के रोड भाई इतनी मस्त, बिल्कुल पेड़ ही पेड़। और वहाँ पे हितेश फोटो खींच रहे, अपनी हितेश फोटो खींच रहे और सारे ब्लॉगर धंधे चल गए अब। गाइस यहाँ हम आ गए थे अपना रिफ्रेशमेंट जो भी और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करके। इस जगह का नाम क्या है वो तो नहीं पता मुझे, बट जो भी थी काफ़ी अच्छी जगह थी। एंड इसके बाद फिर हम अपने अपने अलग अलग रूम्स में चले गए क्योंकि हम डिफरेंट डिफरेंट कमेटी में थे। अब बारी थी सबसे मोस्ट अवेटेड यहाँ के लंच की। तो ये क्रिश था 9th क्लास का, जो पहले खाने लग गया था। फिर मैं गई खाना खाने और मैंने यहाँ पे ली पनीर और रोटी और बाकी मंचूरियन लिया था। बट पनीर में ना पता नहीं क्यों यहाँ पे ना सारे बहुत कम नमक वाला खाना खा रहे हैं, तो मुझे पनीर इसलिए अच्छी नहीं लगी। बाकी ये सारे लोग अभी खाना खा रहे थे। A few moments later. Guys, हमारा सब कुछ कंप्लीट हो चुका है और अब हम जा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से इससे फोन जब मांगा है। ये देखो, इसमें चार्जिंग नहीं है फोन पे, मेरे पे। हाँ ये देखो, वाई सी। और ड्राइवर क्या है? Guys, देख लो आप लोग ढूंढ स्कूल। Guys, तो आज हमारा फर्स्ट डे था यहाँ पे और कल हमारा सेकंड डे है। गाइस मैं घर आ चुकी हूँ और आज ना मतलब उतना उल्टी उल्टी जैसा लग रहा था ना बस में, बहुत ही अजीब, इतनी गर्मी, बहुत ही अलग सा सीन था। और हमारा जो क्राइसिस कमेटी का काम है ना, मुझे लग रहा है वो अब शुरू होने वाला है आज, क्योंकि जितना भी हमने पढ़ा पहले से वो उससे कुछ भी रिलेटेड नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस जो उन्होंने केस स्टडी दी है जो भी है वो अब से फिर कल का जो होने वाला है तो हम आज पढ़ने वाले हैं। एंड मुझे नहीं लगता ये आज जो ब्लॉग आएगा तो कुछ दिनों बाद ही आएगा शायद। तो अभी फ़िलहाल कपड़े वपड़े बदल के थे हैं और ये वाई सी